विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता। विदुर का चिंतन आपको दुख से बचाने का काम करेगा। ईर्षु, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों की उन्नति को देख करके जलन करते हैं, जिनका झरसुआ स्वभाव है, जिनको दूसरों का सम्मान पचता नहीं, जिनको दूसरों का विकास देख करके मन में पीड़ा होती है, ऐसे ईर्ष्यालु लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ईर्ष्या जिसको आप अपनी भाषा में जलन कहते हैं, सभी क्षेत्रों में काम करती है। परिवारों के बीच में भी ईर्ष्या का रूप देखने को मिलता है। गुतनी गुतनी से ईर्ष्या करने लग जाता है, भाई भाई से ईर्ष्या करने लग जाता है, पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या करने लगता है, एक नेता दूसरे नेता से भी ईर्ष्या करता है। राजनीति में ईर्ष्या का विकराल रूप देखने को मिलता है, एक नेता दूसरे नेता की टांग खींचता रहता है। हर नेता की आधी बुद्धि तो ईर्ष्या और द्वेष से बचने में खर्च हो जाती है। कभी कभी धार्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या का दर्शन होता है। कितने साधु लोग भी एक दूसरे से ईर्ष्या में जलते रहे और ईर्ष्या की पहचान होती है। जो ईर्ष्यालु होता है, जिससे ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता रहता है, बुराई करता रहता है। और कबीर साहब कहते हैं, जिसको दूसरे में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है, उसका भाग्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और जिसको दूसरे में गुण दिखाई देते हैं, उसका सोया हुआ भाग्य भी जागने लग जाता है। और जब तुम दूसरों में गुण देखते हो ना, तुम्हारे भीतर उन गुणों का प्रभाव पड़ने लग जाता है और धीरे धीरे तुम स्वयं भी गुणवान हो जाते। गुणवान का जो गुणगान करता है, वो स्वयं गुणवान बन जाता है, और धनवान की जो प्रशंसा करता है, वो धनवान हो जाता है, और विद्वान से जो प्रेम करता है, वो भी धीरे धीरे विद्वान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। थोड़ा अलर्ट बैठना, जहां तुमको एहसासों की ताली बजाने की आवश्यकता है तो जोरदार ताली बजाते, बहुत मरे मरे मत बैठना। कितने लोग तो मैं चेहरा देख रहा हूं तो अधमरे बैठे, कैसे घर से अटकते भटकते आ गए। ये मरघट नहीं है, ये शमशान भूमि नहीं है, ये सत्संग मंडप है, उत्सव का अवसर है। खुश होकर बैठो, खुशी मनाओ कि तुम्हारे पश्चिम चंपारण में प्रथम बार ऐसे संत मंडली का आगमन हुआ है जो आपको साक्षात मिलने आए थे। ये तो राधे श्याम प्रसाद कुशवाहा, शंभु प्रसाद कुशवाहा, अशोक जी और
परम भक्त श्री अमित जी और समस्त ग्रामवासियों की बड़ी श्रद्धा और प्रियता थी। मन बन गया कि गुरुदेव को बुला लूं और सत्संग कराऊं। करोड़ों लोग प्रवचन सुनते हैं मोबाइल के यूट्यूब चैनल में और टीवी में, लेकिन उनमें लाखों लोग दर्शन की इच्छा रखते हैं और कोई हजारों लोग होंगे जो बुलाकर सत्संग कराने की श्रद्धा रखते हैं। गाय का दूध तो सभी पीते हैं, लेकिन गाय की सेवा कितने लोग करते हैं। सूरज की रोशनी तो सब लेते हैं, नमस्कार उसको कितने लोग करते हैं। ऑक्सीजन तो सुबह से रात्रि तक सब लोग खींचते रहते हैं, लेकिन वायु देवता का स्मरण कौन करता है। गुरुदेव का प्रवचन तो करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन उनको बुलाकर सेवा सत्संग कोई बिरले कर पाता। साक्षात उनका दर्शन भी कोई बिरले कर पाता। आज हमारे पास में मीरगंज से, गोपालगंज से एक भक्त आए, श्री मदन प्रसाद कुशवाहा डॉक्टर साहब, खड़े हो जाओ पीछे खड़े। बोले मैंने आपका प्रवचन सुना, ठान लिया इनको गुरु बनाना। आज उन्होंने गुरु मंत्र लिया और ये बड़ा अच्छा अवसर है गुरु बनाने का। आप भी गुरु बना लेना, मैं आपको शिष्य बना लूंगा। बैठ जाइए मदन प्रसाद। डॉक्टर मदन से कहूंगा यहां बैठ जाया करिए, कार्यालय में संत जी बुला रहे। और सुधीर शाह नेपाल से आए, बोले पहली बार दर्शन हुआ और बोले मेरा बड़ा सुधार हुआ है सत्संग से। कितने अवगुण थे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रवचन सुनते सुनते बहुत सुधर गया। वास्तव में सुधरना बहुत बड़ी बात है, दूसरों को सुधारना बहुत पुण्य की बात है और स्वयं सुधरना ये तपस्या है बहुत बड़ी। सीमान से हमारे भक्त श्री अरविंद कुमार जी पधारे हैं, धर्म पत्नी भी उनकी आई है। खड़े हो अरविंद। अरविंद कहां, इधर गुरुदेव की पगड़ी लगा दिया, बड़े प्यारे लग रहे, बड़ी श्रद्धा। पटना में भी आए आशीर्वाद बैठे, दूर दूर से जिनको मैं जान पा। मुजफ्फरपुर से भी श्रोता आए थे, मुजफ्फर वाले जरा खड़े हो जाए देख ले। ये मुजफ्फरपुर की टीम है, देखिए क्या श्रद्धा। और ये ऐसे आए हैं, कैसे आए हैं, चाहे जैसे आए, लेकिन देखने आए हैं कि गुरुजी कैसे हैं साक्षात। फिर ठीक ठाक लग जाए तो अपने मुजफ्फरपुर भी ले चले गए, ऐसी भावना। बैठो। छपरा जिले से श्री विनय कुमार जी, श्रीमती आरती देवी और उनके साथ में 8-10 लोग और आए। खड़े हो जाओ सब। मेरे लिए भुना हुआ चना लाए हैं, फल भी लाए हैं और दक्षिणा भी लाए। आरती देवी कह रही थी शाम को आरती आपकी करते हैं हम तो दक्षिणा रखते हैं, वो दक्षिणा 2800 इकट्ठी हुई है, ये आप ले लो, बाकी आपकी दक्षिणा यहाँ दर्शन की दक्षिणा अलग देता हूँ और मेरी बहन और कुछ लोगों ने भेजा वो भी देता हूँ। गुरु का दर्शन करो खाली हाथ नहीं, याद रखना गुरु को जो तुम देते हो गुरु ऐसा आशीर्वाद देता है अपनी तपस्या के प्रभाव से, तुम्हारे घर में वो हजार गुना बढ़ जाता है। खेत में जो तुम बोते हो खेत 4 महीने में तुमको उतना वापस लौटाता है, लाखों गुना वापस कर देता है। 1 क्विंटल गेहूं अगर बोया है खेत आपको 30-40 क्विंटल गेहूं वापस लौटा देता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जो तुम भेंट करते हो, फूल भेंट करते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में जीवन भी एक फूल है, इस फूल में खुशबू आने लग जाती है, सुख की सुगंध आती है। सभी भक्तों को धन्यवाद देते हुए
ईर्षु घृणी न संतुष्ट। जो लोग ईर्ष्या की आग में जलते रहते उनकी आयु कम हो जाती, उम्र कम हो जाती, वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। और उस ईर्ष्या की आग में उनका विकास जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो लोग उन्नति कर रहे हैं उनसे अपनी उन्नति के बारे में प्रेरणा ले लेना और उनको धन्यवाद दे देना। मैं बचपन में जब किसी को कार में चलता हुआ देखता था तो मैं मुस्कुराता था और सोचता था कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, आज कार में जा रहा है, मैं भी कभी कार लूंगा, ऐसा बोलता था। तो मैं भी कार ले लिया। कार वाले से अगर आप ईर्ष्या करोगे तो आप बेकार में चले जाओगे। अहंकार जब तक तोड़ नहीं सकते हो जिंदगी बेकार में गुजर जाती है। इसलिए अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। सुख शांति की मंजिल तुमको बुला रही है और सुख शांति को प्राप्त कीजिए। नम्रता सीखें सरलता, गरिबी में सुविधान को। नम्रता सीखें सरलता, गरिबी में सुविधान को। नम्रता विनम्र पत्नी अपनी पति की टेंशन को कम कर देती है, अकड़ू पत्नी पति को चिंता में डाल देती है। पति कहता है अपनी पत्नी से, अरे तुम ही थोड़ा गम खा लिया करो, मेरी माँ बूढ़ी है, अब क्या सुधरेगी वो माँ, तुम ही गम खा लो। पत्नी कहती, मैं तो ये टम्बम हूं, ऐसा पटाखा फोड़ूंगी, पति और माँ और सासू सब भस्मासुर बना। गम खाने वाले महान होते, सहन शक्ति रखने वाले बुद्धिमान होते, दूसरों को क्षमा करने वाले भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। तिल का ताड़ बना करके बवंडर फैलाने वाले शैतान होते हैं। और याद रखना,